नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स, यू नो देर आर थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल एंड देयर रेशियो इज गिवन. द रेशियो इज 3:4:5. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ थ्री एंगल्स. एंड यू नो व्हेन रेशियो इज गिवन व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स फर्स्ट एंगल इज 3x, सेकेंड एंगल इज 4x एंड थर्ड एंगल इज 5x. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके सो लेट फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकेंड एंगल 4x एंड थर्ड एंगल. इवन यू कैन टेक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. इन दैट केस यू नीड टू ड्रॉ द फिगर ए बी सी. एंगल ए 3x, एंगल बी 4x एंड एंगल सी 5x. इवन यू कैन यूज लाइक दिस. सो लेट एंगल ए 3x, एंगल बी 4x एंड एंगल सी 5x. नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यू कैन फाइंड ऑल एंगल्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस एंगल्स. एंड यू नो वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी हियर. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ एंगल ए 3x, एंगल बी 4x, एंगल सी 5x. नाउ दीज आर ऑल लाइक टर्म्स, यू कैन ऐड देम. 3+4 7, 7+5 12x, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री. Now to find the value of x, we will shift 12 towards right hand side. Now 12 1 12, 6 carry, 12 5 16. Okay, so value of x is 15 degree. Now put this value of x in each angle. You can find each angle. Okay, now therefore angle A is 3 into 15 degree. That is 45 degree. Angle B is 4x, 4 into 15, that is 60 degree. And angle C is 5x, 5 into 15, that is 75 degree. Clear? Very simple. The ratio is given. Ratio means these angles will be 3x, 4x and 5x. By using angle sum property, you can find the value of x because it will form a linear equation, and you can find this value of x and put this value of x in each angle. You will find all three angles of a triangle. Clear?